भारत में 19वीं शताब्दी का उत्तरार्ध शैक्षिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक आंदोलनों एवं समाज में व्याप्त अस्पृश्यता, बाल विवाह, सती प्रथा, कन्या भ्रूण हत्या एवं अशिक्षा के विरुद्ध लड़ाई का स्वर्णिम काल था। उस समय शिक्षा समाज के कुछ उच्च वर्गों के लोगों तक सीमित थी। ऐसे कठिन समय में महिलाओं और दलित पिछड़े वर्ग के पुरुषों के लिए शिक्षा संस्थानों के बंद दरवाजे खोलने का साहस, सतत प्रयास एवं संघर्ष करने वाली भारत की प्रथम शिक्षिका, ज्ञान की देवी माता सावित्रीबाई फूले का आज जन्मदिन है। उनका जन्म माता सावित्रीबाई का जन्म 3 जनवरी सन 1831 को हुआ। सत सत नमन और वंदन करते हैं। माता सावित्रीबाई फूले समाज की रूढ़वादिता की स्वयं शिकार हुई। उनका विवाह 9 वर्ष की उम्र में और 12 वर्ष के जयंतवा राव फूले के साथ 1840 में हुआ। उस समय वह पढ़ी लिखी नहीं थी। जयंतवा फूले ने ही उन्हें पढ़ाना लिखाना सिखाया। उस समय लड़कियों की स्थिति दयनीय थी, पढ़ने की अनुमति नहीं थी। सावित्रीबाई को पढ़ाने के कारण जयंतवा फूले को रूढ़ वार्ता के कारण घर से बाहर निकाल दिया गया, लेकिन उन्होंने सावित्रीबाई फूले का एडमिशन एक प्रशिक्षण स्कूल में कराया। विरोध के बावजूद शिक्षा पूरी की। 1 जनवरी 1848 में माता सावित्रीबाई फूले ने जयंतवा के साथ मिलकर लड़कियों के लिए स्कूल की स्थापना की, जिसमें 9 लड़कियों ने एडमिशन लिया। वह उस विद्यालय की प्रिंसिपल बनी। इस कारण वह भारत देश की प्रथम महिला शिक्षिका बनी। जब वो विद्यालय पढ़ाने जाती थी तो उनके ऊपर पत्थर, कीचड़, गोबर, टमाटर आदि फेंके जाते थे। माता सावित्रीबाई फूले जब विद्यालय जाती थी तो एक साड़ी रखकर ले जाती थी। जब विद्यालय में पहुंच जाती थी उस साड़ी को बदल लेती थी। इस तरह से उन्होंने विपरीत परिस्थितियों में अपने मार्ग से बिल्कुल विचलित नहीं हुई। 16 नवंबर 1852 में तत्कालीन सरकार ने उन्हें शॉल उड़ाकर सम्मानित किया। 1852 में महिला मंडल का गठन कर सती प्रथा, बाल विवाह, विधवा पुनर्विवाह पर काम किया। सावित्रीबाई फूले ने काशीबाई नामक गर्भवती महिला को संरक्षण दिया और उसके पैदे हुए बच्चे को स्वयं गोद लेकर उसे खूब अच्छी तरह से पढ़ाया। पढ़ा लिखा कर यशवंत नाम से मशहूर डॉक्टर यशवंत जी हुए। उस समय प्लेग की बीमारी थी। अपने बेटे यशवंत और स्वयं मिलकर एक हॉस्पिटल खोला, जिसमें जो प्लेग से पीड़ित लोगों की सेवा की। माता सावित्रीबाई फूले उन लोगों की सेवा करती थी जिन्हें अछूत माना जाता था, जिनको कोई छूना पसंद नहीं करते थे। उसमें एक बच्चा जो प्लेग से पीड़ित था, उसकी देखरेख के कारण इन्हें भी प्लेग हो गया और 10 मार्च 1897 में इनकी मृत्यु हो गई। इनकी 2 काव्य रचना थी, काव्य फूले, 52 कसी, सुबोध रत्नाकर। वो कहा करती थी, सुनहरे दिन का उदय हुआ, आओ प्यारे बच्चों, आज हर्ष उल्लास से तुम्हारा स्वागत करती हूँ आज। और माता सावित्रीबाई फूले बच्चों से कहा करती थी, अब बिल्कुल खाली मत बैठो, जाओ शिक्षा प्राप्त करो, सिट आइडल नो मोर, गो गेट एजुकेशन। ऐसी महान विभूति माता सावित्रीबाई फूले के जन्मदिन पर हम कोट कोट नमन और वंदन करते हैं।